generally there's a lot of sadness amongst people. And people who are here are the one who really, ones who really cared for her. And what else? May her soul rest in peace. Thank you. बहुत ही खूबसूरत इंसान रही हैं रीता जी. उनका जो भीतरी ताकत है, मतलब अभी तक तो वो शूटिंग ही कर रही थी. इनफैक्ट जब हमारे साथ शूट कर रही थी हमारे प्रोडक्शन में, तो डायलिसिस करके आती थी फिर भी वो शूट करती थी हमारे साथ. और बिन एक कभी भी, मतलब एक आध बार कभी लेट हो गया है या 2 o'clock की शिफ्ट हुई है, कभी एक मुँह से कुछ, और किसी को बताती भी नहीं थी कि उन्हें वो डायलिसिस चल रहा है. आई मीन ये नहीं कि ढिंडोरा पीटना कि मैं, बहुत हिम्मत वाली थी, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली थी. सबकी माँ थी इंडस्ट्री में, जितने लोग आपको मिलेंगे वो सबकी माँ थी. कहा जा रहा है उन्हें किडनी, किडनी से जुड़ी कोई समस्या. हाँ, तभी तो डायलिसिस करवाते हैं. किडनी का ही दवाई होता है ना, मेडिसिन होता है ना, वेयर द दे हैव टू फ्लश इट आउट इज व्हाट डायलिसिस इज. बस तो ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे. वो तो शांति मिलेगी उनको. शी वाज सच अ प्योर लवली सोल. इतना अच्छा सोल, शायद बहुत 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 ऑनरेबल सोल थी. दुख के मौके पर क्या कहें, इस ऐसे ऐसे मौके पर बोलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एक्सेप्ट दैट हम खुशकिस्मत थे कि हम उन्हें कल शाम को हॉस्पिटल में जाके मिले. और सिर्फ हम दोनों ही मिल पाए एक्चुअली, और हमारी फैमिली, कुमकुम फैमिली में से कोई भी नहीं जा पाया. कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए. हालांकि वो कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कहने की कि हम, मैं हूँ और परितोष परितोष हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था. खैर दुख की बात है, बट शी वॉज नॉट वेल अनफॉर्चुनेटली. कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी थे, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन आई एम ग्लैड she went the way she went, because it would have been difficult for agar unki shakhs health care ke liye bahut difficult ho jata. Otherwise you know she had many complications. unki shakhsiyat ke bare mein agar puche to kya kuch kehna hai, kaho main to ek hi shabd bolunga, bilkul mast maula mahila thi aur utni hi mast actress thi, bas itna hi bolna chahunga. kaise yaad karenge? main yaad karna तो बहुत सारी चीज़ें हैं टच, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि स्टे हैप्पी. बहुत बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस हर सोल. थैंक यू सर.